ब्रेक के बाद वहां जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम चल पड़ते हैं हमारी उसी मंजिल की ओर। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन लायंस क्लब जैसी कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ जुड़कर उनके अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने समाज में फैली कई कुरीतियां खत्म करवाई। आप पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं विजय जी, लोग सब जानते हैं इसके बारे में। आप समाज के, हमारे मारवाड़ी समाज की कौन सी कुरीतियां हैं जिनके बारे में आप उल्लेख करना चाहेंगे? समाज में समय समय के अनुसार कमियां बदलती जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे समाज से कुरीतियां खत्म हो गई। हमारे समाज में जो पहले लोग शिक्षा के साथ साथ संस्कार आता था, उस संस्कार को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। कहीं कहीं तो ये भी प्रॉब्लम है कि हम अपनी भाषा को भी छोड़ चुके हैं। आज रोज की रोज 1 महीना 6 महीना 3 महीना साल 2 साल भी विवाह नहीं चलता, तलाक की समस्या आ जाती है। आडंबर हमारे समाज में, दिखावा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें कई बार रोकना पड़ता है। आज समाज में टूटता परिवार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दो भाइयों का घर भी एक साथ नहीं चल पाता, ये बहुत ही समाज के लिए घातक है, आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं समाज को तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि समाज की कोई भी कुरीतियाँ हैं, आप सम्मेलन के साथ आएं, जुड़ें और बताएं कि उसका समाधान क्या है। समय के साथ साथ विजय गुजरवासिया जी के शारीरिक रूप में भले ही बदलाव आता रहा हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक सा ही रहा और वो था कड़ी मेहनत, लगन और समाज की सेवा। मारवाड़ी समाज सैकड़ों वर्षों से अपने साथ साथ अन्य समाज को भी लेकर आगे बढ़ रहा था और समाज के उत्थान के लिए तन मन धन के साथ साथ समय भी दिया जाता, और विजय जी ने तन मन धन के साथ साथ समाज को समय भी दिया। पर गुजरवासिया जी का मानना है कि जैसे जैसे समाज संपन्न होता चला गया, वैसे वैसे सामाजिक कार्यों से लोग विमुख होते चले गए। विजय जी का मानना है कि जब तक समाज के प्रबुद्ध और जागरूक लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक समाज का उत्थान संभव नहीं है और समाज के विकास की गति रुक जाएगी। गुजरवासिया जी के अध्यक्षीय काल में पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के साथ मारवाड़ी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लिए भी उन्होंने कई कार्य किए। युवाओं को भी मारवाड़ी संस्थाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे वो भी हमारी संस्कृति और परंपराओं से वाकिफ रहे। विजय जी, इसी श्रृंखला में हमें ये बताइए कि आपके अध्यक्षता के दौरान आपके सम्मेलन ने ऐसे कौन से कार्य किए जिससे आपको, खासकर आपको सेटिस्फैक्शन मिला हो? मेरे को सबसे पहली कमी नजर आई कि हमारे मारवाड़ी सम्मेलन का एक अपना कार्यालय नहीं था, और जो भी अध्यक्ष होता था अपने कार्यालय से उस कार्य को पूरा कर लेता था। तो मैंने सबसे पहले चेष्टा की और अपना ऑनरशिप कार्यालय मारवाड़ी सम्मेलन का ग्रीस पार्क के पीछे नई बिल्डिंग में एक किया। दूसरा, हमने ये कार्यक्रम लिया कि जो मध्यम वर्गीय हैं, जो परिवार अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर सकते, उनकी शादियों विवाह कराने का हमने पूरा जिम्मा लिया। जो परिवार हमारे सामने आए उसको हम करवाने की, अपने सदस्यों की उपस्थिति में विवाह करवाते हैं। उसके बाद संस्था की ओर से एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, जहां रोजाना 125 से 150 छात्र बिना किसी ब्रेक के प्रशिक्षण लेते हैं। और गिरीश पार्क स्थित कार्यालय पश्चिम बंगाल के सामाजिक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि स्थल बन गया। एक अपने कार्यालय के बगल में कार्यालय और जगह मिलने की बात है, तो हम वाचनालय, जो कि हमारी लाइब्रेरी, और दूसरा हमने ले रखा है जो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए एक मारवाड़ी सम्मेलन के प्लेटफार्म पर एक छात्र निवास बनाने का भी विचार हमने ले रखा है। हमने कई शाखाओं का खोलने का प्रोग्राम कर रखा है, जिसमें कुछ शाखाएं खोल दी हैं और बहुत जल्द कुछ शाखाएं और खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मारवाड़ी समाज या अन्य समाज के जो छात्र 90% से ज्यादा अंक हासिल करते हैं, उन्हें पूरे समाज के सामने सम्मानित किया जाता है
जिससे उनके साथ साथ अन्य छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जा सके और वो भी अच्छे अंक जुटा सके। इसके अलावा छात्रों के प्रोत्साहन हेतु समय समय पर कई एक्टिविटीज संस्था द्वारा करवाई जाती है। प्रायः देखा जाता है कि एक सफल और चर्चित व्यक्ति की पत्नी में कुछ अहंकार के भाव जरूर आ जाते हैं, परंतु सरला जी इनसे कोसों दूर हैं और कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति विजय जी को आगे बढ़ाने में समर्पित किया है। विजय जी जो इतना बड़ा व्यवसाय चलाते हैं और सामाजिक कार्यों में इतने निपुण हैं, उन्हें जाहिर है कि अपने परिवार, अपने खुद के परिवार के लिए समय नहीं मिलता होगा, तो इस चैलेंज को आप किस तरह मीट करती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, इनके साथ रहते रहते हम लोग को भी आदत हो गई है और ये समाज में जितना काम करते हैं हम लोग भी उनके साथ जाते हैं, हर जगह ये लेके जाते हैं और इनके साथ रहने अच्छा लगता है, इनके साथ रहना अच्छा लगता है हम लोग को। हम पूरे परिवार के साथ सब जगह जाते हैं इनके साथ, जहाँ भी कुछ भी कोई भी प्रोग्राम होता है इनके साथ सब प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं और इनके साथ ये सब मतलब टाइम अपना सब जगह देते हैं, समाज के लिए भी टाइम देते हैं, अपने ऑफिस में भी टाइम देते हैं, बच्चों को भी टाइम देते हैं, अपने परिवार वाले को भी टाइम देते हैं। आत्मकथा का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, पर अभी वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक।